हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों के दांत में कीड़ा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आपके बच्चे के भी दांत में कीड़ा लग गया है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दांत में कीड़ा लगना एक आम समस्या है, इसके बारे में सभी जानते हैं। रोज नियम से ब्रश भी करते हैं फिर भी दांत में कीड़ा लग जाता है जिसका पता ही नहीं चलता है, और एक दिन दांत में तेज दर्द के कारण परेशानी पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए देख लेते हैं। दांत पर कीड़ा दांत में जमा होने वाले मैल के कारण लगता है, और ये कोई कीड़ा नहीं होता। ये दांतों को सही तरीके से सफाई न होने के कारण हुआ नुकसान है, जिसके कारण दांत की ऊपरी मजबूत परत नष्ट हो जाती है और दांत अंदर तक खराब हो जाता है। मैल की परत बनने के चार मुख्य कारण होते हैं: बैक्टीरिया, लार, एसिड, भोजन के कण। हम सभी के मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। हमारे खाने पीने के सामान में यदि किसी भी रूप में शक्कर है तो मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया तुरंत शक्कर को एसिड में बदलना शुरू कर देते हैं। भोजन के कण भी एसिड में बदल जाते हैं। दांत का मजबूत इनेमल इस एसिड से दांत की रक्षा करता है, किंतु यदि किसी कारण से दांत का ये इनेमल कमजोर पड़ जाता है तो एसिड धीरे धीरे दांत को अंदर तक खोखला कर देता है। ऊपर से सिर्फ छोटा सा काला बिंदु दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से दांत ज्यादा नष्ट हो गया हो। कीड़ा लगने पर इसका इलाज समस्या की गंभीरता पर निर्भर होता है। डेंटिस्ट को एक्सरे करके भी देखना पड़ सकता है कि दांत अंदर से कितना खोखला हो चुका है। डेंटिस्ट दांत के खराब हुए काले हिस्से को छोटे ड्रिल मशीन से साफ करके उसमें चांदी या रेसिंग भर देता है ताकि दांत खराब ना हो। इससे दांत की फिलिंग करना कहते हैं। यदि किसी एक दांत में कैविटी है तो ये पास वाले दांत में भी लग सकती है और दूसरा दांत भी खराब हो सकता है, इसलिए तुरंत कैविटी का इलाज करवा लेना चाहिए। पौष्टिक खुराक ना लेना जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और खनिज तत्व हो। किसी तनाव या दिमागी बीमारी के कारण मुंह सूखा रहना। छोटे बच्चे जिनके दूध के दांत होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा मुंह में लगातार डालने की आदत होती है। बच्चों के दांतों की सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये सोचकर कि बच्चे के दूध के दांत हैं गिर जाएंगे ये सोचकर इलाज नहीं करवाना गलत है। छोटी सी कैविटी दांत की जड़ों तक पहुंचकर तेज दर्द पैदा कर सकती है। इससे मसूड़े में इन्फेक्शन होकर पस पड़ सकता है। बड़ों में ज्यादातर कीड़ा लगने की शुरुआत पीछे के दांतों में होती है, क्योंकि पीछे के दांतों में खाना फंसने की आड़ी टेढ़ी जगह ज्यादा होती है। ब्रश करते समय जहां जगह कम होने के कारण ब्रश जहां ढंग से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।